बहुत अच्छी फैन थी, अच्छी फैन अच्छा जी थी आशा भोसले. अच्छा एक दिन आशा जी ने मुझे उनके शो पे बुलाया, आई वाज अ गेस्ट. अच्छा जी. तो बातें बातें में उन्होंने कहा कि हेलन जी वहाँ बैठी है. देन आई वेंट डाउन एंड आई डिड दैट. हेलन जी, आशा जी मुझे बोल रहे, हेलन जी अगर मैं मर्द होता है तो मैं आपसे शादी करती. सो स्वीट. वहीदा जी, आपको भी तो कभी ऐसा कोई ना कोई क्रेजी फैन मिला ही होगा कभी, जिन्होंने तंगी कर दिया आपको. हाँ देखिए, हमारे ज़माने में जब जवानी में सभी होते हैं, सबके फैंस होते हैं. एक हर रोज़ कुछ 12-15 सफ़े का एक लेटर आता था. अच्छा जी. उसमें वो लिखते थे कि मैं आर्किटेक्ट हूँ. मैं सोचो अभी ये आर्किटेक्ट हैं तो इनकी इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है. वो हैंड रिटन, ये नहीं कि टाइप हो, या उस वक्त मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, हैंड रिटन लेटर. फिर कहते थे एक दिन याद रखिए आप, ताजमहल क्या मैं अच्छा। उससे बढ़ के बनाऊंगा क्योंकि मैं आर्किटेक्ट. हो सकता है उन्होंने कभी बनाया भी हो आपके लिए, ये भी तो हो सकता है. हम यहाँ पे एक नागेश जी हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, उस दौर के फिल्मों के इतने बड़े फैन, मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ. नागेश गाता रहे, आप आइए नाम थोड़ा है आपको. यहाँ पे ना कुछ आपके हार्डकोर फैंस हैं जो आपकी फिल्मों के आपके स्टाइल के इतने दीवाने हैं, तो उसी आज स्टाइल में बैठे हूँ मैं, उनको बुलाना चाहता हूँ. प्लीज आइए, आप जरा मंच पे आइए. नमस्ते जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. अरे सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप बताइए कि आप किन का आपने स्टाइल कॉपी किया हुआ है, हमारे दर्शकों को बताइए. मैं मधु चंद्रा हूँ. अच्छा जी. मैंने आशा जी का गेटअप किया है. अरे वाह, कमाल है, बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं आप जी. आपका? हाँ, मेरा नाम निशा है. अच्छा जी. और मैंने जो स्टाइल किया है वो भी आशा परीख जी का. अरे वाह. हेलो. हेलो जी मैम, कैसे हैं? देखा मामा तोरा, मैंने हेलन जी का स्टाइल किया है. अरे वाह. रिंगलेस जी पीछे. हेलो, ममता सा जी. ममता, मैंने वहीदा जी का स्टाइल. वाह. मैं जयश्री पंचाल हूँ, मैंने वहीदा जी की स्टाइल. So sweet. Helen जी, पहले नंबर पे आपके हिसाब से कौन? तो ये नंबर एक. कितने जा रहा है? गुड्डू आजा, क्यों स्कूटर की चीखें निकलवा रहा है? ये मैम हमारे पड़ोसी हैं, बच्चा यादव, उनका बेटा है गुड्डू. अच्छा. पैरी पोना दादी जी. जी तेरा. पैरी पोना दादी जी. पैरी पोना दादी जी. गुड्डू, ये दादी दादी क्या होता है? दादी
दादी वो होती है जब किसी माँ के बच्चे के घर बच्चा होता है और वो लेडी मिठाई का डब्बा लेके गली में मिठाई बांटती है और खुशी से कहती है कि आज मैं दादी बन गई, उसे दादी कहते हैं। ओए कलिंगड़, मैं दादी की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, ये तेरी दादियाँ कैसे हो गई? कप्पू अंकल, मैंने इन तीनों दादियों को ना अपने धन 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 से दादियाँ मान लिया हुआ है। अबे तन मन धन से मानना होता है। तन मन से आप मानो, मैंने धन धन से माना है। पता क्यों? क्योंकि तन मन से ना सी व्यू बंगले नहीं आते, धन धन से आते हैं। बेटा अभी उन्होंने तुझे अपना पोता माना नहीं है। कोई बात नहीं, ये फिल्मी लोग है ना क्लाइमेक्स में मानते हैं। ये ना फिल्में देख देख के बिगड़ गया अर्चना जी। हाँ। अभी तेरे बाप को बोल के तेरी फिल्में देखनी बंद कराता हूँ। हाँ। फिल्में बंद करवा दोगे? मतलब एक्टर लोग फिल्में नहीं बनाएंगे? हाँ। इधर प्रमोशन के लिए नहीं आएंगे? तेरा क्या होगा? डैडी के शोक कौन सुनेगा? डैडी घर बैठ जाएंगे और 5-6 बच्चे पैदा करेंगे। नहीं अंकल प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन एक बात है कप्पू अंकल, वही इधर रहमान जी है ना, मैं उनके बेटे की तरह बहुत ही ज्यादा अच्छा गाता हूँ। उनका कौन सा बेटा गाता है? ए आर रहमान। ए आर रहमान उनका बेटा नहीं है, वो अलग है। सच्ची सो खाओ। हाँ। इनका बेटा नहीं है? नहीं। तभी मैं सोचूं ये उनके साथ क्यों नहीं रहती। अच्छा ये बता गुड्डू स्कूल क्यों नहीं गया आज? स्कूल वो ना मेरी बुआ की पूंछ पे चोट लग गई थी, इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली। बुआ की पूंछ नहीं होती, भैंस की पूंछ होती है। अंकल जी भैंसे हमारी बुआ है समझे, वो हर साल मेरा पापा को राखी बांधती है। भैंस कैसे राखी बांध सकती है? क्यों अंकल जी, अगर मेरे डैडी रोज उनको तबेले पे बांधते हैं तो वो उनको राखी क्यों नहीं बांध सकती? हाउ रेसिज्म। अच्छा फालतू की बात है, इससे जितनी मर्जी करा लो। अभी मैं स्कूल के बारे में कुछ पूछूंगा ना पढ़ाई के बारे में, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। वाह गुड्डू ज्यादा बात, तेरी पढ़ाई पे सवाल उठा है। मैं तैयार हूँ कप्पू अंकल, क्या सवाल पूछते हो? अच्छा बता सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज? हाँ। ऐसा गोल सा? हाँ। वो खट्टे ऑरेंज रंग का होता है जो? हाँ। सूरज वो जो बच्चों को सुबह उठाता है? हाँ। वो जो कपड़े भी सुखा देता है? हाँ वही सूरज। सब पता है। वो सूरज जिसके पृथ्वी आसपास चक्कर लगाती है? हाँ वही सूरज। वो सूरज जो रात को डूब जाता है? हाँ वही सूरज। हाँ तो 9:30 बज रहे ना, डूबा हुआ, जब सुबह उगेगा तो बता दूंगा किधर से उठता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.